सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं तथा मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। तो बहनों, आप देख सकती हैं अच्छे से जो आंगनबाड़ी बहन के द्वारा कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं, जिनमें आज से जो अलग आंदोलन या हड़ताल शुरू होने वाली उसके बारे में है। कुछ बहनों मानदेय की खबरें हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। बहनों, ये आंगनबाड़ी खुलने का स्टेटस है, कृपया सभी लीडर अपने अपने स्तर में पता करके केंद्र को बंद करवाएं। मतलब कुछ ऐसे भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिनको बीएमएस वाले या फिर कुछ ऐसी कार्यकर्ताएं हैं जिनको अपनी मांगों या मानदेय से फर्क नहीं पड़ता, उनके द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र कहीं कुछ जगहों पर खोला जा रहा है। जबकि मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, लड़ेंगी आप तो जीतेंगी जरूर, क्योंकि इस बार महिला बाल विकास के अधिकारी आपके पर्यवेक्षक भी आपके साथ हड़ताल और आंदोलन में शामिल हैं। यहाँ तक कि पोषण ट्रैकर और संपर्क ऐप के माध्यम से भी ये चीज़ें पता की गई हैं कि कुछ लोग अपने आंगनबाड़ी केंद्र खोल रहे हैं, जो कि बेहद ही निंदनीय है। तो यहाँ पे एक सूचना भी है आंगनबाड़ी बहन के द्वारा, जो कि आज के लिए ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी कार्यकर्ता बहनों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 27/3 मतलब कि आज रीवा में सामूहिक आंदोलन किया जा रहा है। तो बहनों, ये खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, लेकिन हर जिले की जो आंगनबाड़ी बहनें हैं हजारों की संख्या में, वो रीवा जिला आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सामूहिक आंदोलन है। यहाँ पे रीवा जिले से मतलब ये नहीं कि केवल कोई एक ही जिला वाले बहनें ही आंदोलन कर रही हैं, मध्य प्रदेश के हर एक जिले से सामूहिक आंदोलन किया जा रहा है। सभी कार्यकर्ता सहायिकाएँ रीवा पहुँची। इस आंदोलन में हमारी परियोजना अधिकारी सुपरवाइजर भी साथ रहेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंगनबाड़ी बहनें ही आंदोलन कर रही हैं, यहाँ पे जितने भी परियोजना अधिकारी हैं, सुपरवाइजर हैं, ये सब साथ में रहेंगे। इसीलिए सभी कार्यकर्ता सहायिका बहनें रीवा में 27 को पहुँच जाएं, मतलब आज हर हालत में आप पहुँच जाएं। कुछ लोग पहुँच भी गई होंगी बहनों को। तो ये आपकी साथी कमला तिवारी, जो कि आंगनबाड़ी में मुख्य सचिव की जो भूमिका निभा रही हैं इस आंदोलन में। स्थान निर्धारित करते ही सूचना दे दी जाएगी बहनों। जैसे वे स्थान निर्धारित होगा, हालांकि एक प्रकार से निर्धारित है, क्योंकि रीवा जिले में स्वामी विवेकानंद पार्क में यह आंदोलन होगा, जो कि हर बार होता है, पिछली बार भी यहीं पे हुआ था। तो आप लोगों को एक अच्छी तैयारी बना लेनी है, और जिस प्रकार से आपके परियोजना अधिकारी सुपरवाइजर बहनें भी आपका साथ दे रही हैं, तो आपको इस हड़ताल में सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन उसके लिए ना आपको संपर्क ऐप में, ना ही पोषण ट्रैकर में आपको किसी भी प्रकार के आंगनबाड़ी केंद्र को खोला हुआ दर्शाना है, ना ही वहाँ पर बालकों की कोई भी पोषण एंट्री करनी है, ना कि गर्म ताज़ा भोजन के बारे में, ना तो गर्भवती धात्री महिलाओं के बारे में, ना ही गृह भेंट के बारे में आपको कुछ भी ऐसी फीडिंग नहीं करनी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दें, इसी तभी जाके आप हड़ताल में सफल होंगे। बहनों, सफल होने की गारंटी 90% इसलिए पूरी है क्योंकि अगले साल होने वाले चुनाव हैं, और चुनाव के पहले सरकार जानबूझ के या फिर मजबूरी में ही सही, लेकिन आपकी मांगों को पूरा जरूर करेगी, क्योंकि वो जानती है कि लाखों जो वोटर्स हैं, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला के भी लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ हैं, जिनके वोट वो कट जाएंगे, तो इस साल वो चुनाव में नहीं जीतने वाले हैं। बहनों, कुछ कमेंटों में भी की बात भी हम करेंगे, तो इससे पहले आप भी कुछ कमेंट कीजिए और आप अपने विचार यहाँ पे रखिए। आपके शहर में जितना मानदेय है, उस चीज़ के बारे में आप लिखिए। आप हड़ताल में आ रहे हैं कि नहीं, तो उस चीज़ के बारे में अभी आप बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक सर हैं अमर प्रकाश विश्वकर्मा, जिनके द्वारा ये है कि सर, हर रोज़ की खबर आप चैनल पर डालिए। तो मैं सबसे पहले बता दूं, हर रोज़ की ही खबर डलती है, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, नीचे वहाँ पे एक सब्सक्राइब लिखा होगा या घंटी बनी आई होगी, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देंगे, तो जब भी नई खबरें आएंगी, चाहे वो मानदेय की हों, चाहे हड़ताल की हो, या फिर लाडली बहना योजना की हो, या किसी भी फॉर्म की, तो उसके बारे में वीडियो को आपको तुरंत पता चल जाएगी कि मेरी वीडियो आ गई। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अब यहाँ पे देख लीजिए, पंचशिला निकाय डेरे जी हैं, जब तक हमारी मांगे नहीं होंगी पूरी, तब तक हड़ताल रहेगी जारी, आंगनबाड़ी को हम बंद रखेंगे। ये बहन का मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ, इसी तरीके का जज्बा और हुनर की ज़रूरत हमें चाहिए। हमारा किसी भी प्रकार का मानदेय नहीं कटने वाला है बहनों, ये मैं पहले भी बता दूँ, क्योंकि जब परियोजना अधिकारी आपके और आपके पर्यवेक्षक खुद ही आपके साथ आंदोलन में है, तो कलम तो उन्हीं की चलनी है, और वो आपका बुराई तो आपकी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो खुद आपके साथ इसमें खड़े हैं। यहाँ पे एक बहन राधा साहू हैं, इनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि हड़ताल को जारी रखना चाहिए, भैया अभी तो जीत होगी,
बिल्कुल ये सही बात है, चुनाव भी है और चुनाव के पहले अभी तक के इतिहास में पहली बार ही ऐसा हुआ कि आंगनबाड़ी बहनों का साथ उनके सुपरवाइजर, परियोजना अधिकारी, उनके विभाग वाले दे रहे हैं। इससे पहले कभी भी इतने हड़ताल हुए, कभी भी न उनके विभाग वालों ने साथ दिया न सुपरवाइजरों ने साथ दिया। इस बार सब साथ दे रहे हैं, तो हड़ताल आप जारी रखिए, क्योंकि इसी बार आपकी 11 से 15 जितनी भी मांगे थी जो मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया वो सभी पूरी होने वाली हैं। तो इस तरीके की जब कमेंट आते हैं तो हमको भी उत्साह मिलता है बहनों, तो आप भी कमेंट जरूर करिए। कमेंट आपको करना चाहिए तो आपकी हमको पता चलता है कि आपके यहाँ मानदेय कितना है आपका, या फिर आपकी भी जो सोच है इस विषय में या इस हड़ताल के बारे में आपको अगर कुछ कहना है वो आप बताएंगे तो इस चीज़ को हम अपने वीडियो के द्वारा ही दिखाएंगे। यहाँ पे एक भाई है एसएम ब्लॉग, इनके द्वारा कहा गया है कि वेतन मांग लागू होना चाहिए एमपी में। देखिए, मानदेय और वेतन मान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक बार वेतन मान का यह मतलब होता है कि आपको एक फिक्स वेतन कर दिया गया है और आने वाले समय में उम्मीद है कि उस वेतन को बढ़ाया जाएगा, ये होता है वेतन मान। और वहीं पे अगर हम मानदेय की बात करें तो मानदेय, तो सबसे पहली बात कि मानदेय फिक्स ही नहीं होता, और अगर मानदेय फिक्स नहीं है तो उसको कभी भी सरकार काट सकती है, घटा सकती है, बढ़ा सकती है, उसमें कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो मानदेय की जगह वेतन मान लागू होना चाहिए आंगनबाड़ी बहनों का। ये एसएम ब्लॉग चैनल वाले हैं तो इनके द्वारा ये चीज़ें कही गई हैं। तो इस तरीके का आपको कमेंट यहाँ पे करना चाहिए। एक बहन है यहाँ पे, देखिए बबीता कुमारी, इनका भी कहना कि समान काम समान वेतन होना चाहिए, जो कि कोर्ट अगर फैसला ले तो जरूर। तो जाहिर सी बात, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचता है तो हमको समान काम और समान वेतन देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि एक बहन ने उनको रिप्लाई भी किया कि हाँ दीदी, हम सब एक साथ हैं, हमारी मांगों को पूरा करो। तो जाहिर सी बात, जब आप मांगे पूरी होंगी तभी आपका वो होगा। आप देखिए, एक बहन सबाना शाह का यह कहना है, मांगे पूरी करो तभी हम काम शुरू करेंगे, संपर्क ऐप और पोस्टर ट्रैकर में भी काम नहीं करना बहनों, सभी बहनों समर्थन करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है, यही एक ऐसा मौका है जिसमें मजबूरी में ना चाहते हुए भी सरकार को आपका जो है कि मानदेय को बढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, तो आपको यहाँ पे मतलब कमेंट करके आप बहनों ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। आपका अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है या आंगनबाड़ी के किसी ग्रुप में आप हैं या व्हाट्सएप में स्टेटस है, वहाँ पे आप इसकी लिंक या वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। तो बहनों, इसी के साथ मिलेंगे मानदेय की कुछ अगली खबरों में, हड़ताल की कुछ अलग से खबरों में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।